करेंगे। दंतेवाड़ा की सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। शहीदों के परिजनों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये घटना नक्सलियों की हताशा को दिखाती है और सीएम बघेल ने कहा कि नक्सलियों को ज्यादा नुकसान होगा, सरकार इसकी भरपाई करेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शहीदों के परिजनों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को कंधा सीएम भूपेश बघेल ने दिया। गृहमंत्री रामधन साहू भी नजर आ रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल ने किया कि नक्सलियों की हताशा के चलते ये घटना घटी है और सरकार शहीदों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। उन्हें आखिरी नमन किया सीएम भूपेश बघेल ने, अंतिम विदाई दी और पूरे सैन्य सम्मान के साथ में, राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तस्वीरें सामने आ रही दंतेवाड़ा से, जहाँ सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, दंतेवाड़ा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि सीएम भूपेश बघेल ने दी है, उन्हें पुष्प चक्र अर्पित किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, छह तस्वीरें। शहादत को सलाम सीएम भूपेश बघेल ने किया है, श्रद्धांजलि सीएम ने दी है, सीएम ने कांधा भी दिया उनके पार्थिव शरीर को। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, मातम पसरा हुआ है परिजनों के घर। इधर शहीदों के परिजनों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की और हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी सरकार ने दिया है। नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है इन शहीदों को। ये तस्वीरें सामने आई है आज दंतेवाड़ा से, छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, जहाँ आज शहादत को सलाम किया जा रहा है। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहां से हमारे डीआरजी जवान के दो टुकड़ियां गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय एक घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारे डीआरजी के एक सिविल की हुई। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, जो परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। मैं मेरी ओर से, संपूर्ण पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे, पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूँगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं। जब जब भी कोई भी बड़ा लीडर अगर आता है विरोधी दल का तो कहीं ना कहीं किलिंग हो रही है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। किसी की भी किलिंग हो, किलिंग होती है और ये जो इस प्रकार से जवान शहीद हो रहे हैं उनकी रक्षा के हेतु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आज शहादत को सलाम सरकार ने किया, सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी है। सरकार ने हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया, भरोसा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कंधा पार्थिव शरीर को दिया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शहीदों के परिजनों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। इधर शहादत को भी सलाम किया गया।